हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग गुड। सो मैं अनुभव चौधरी और आपके सामने आज बजट 2022 के कुछ यूनिक फीचर्स को रिव्यू करूंगा और उसमें मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा। सो गाइस, वीडियो में मेरे साथ आगे बने रहें। भारत की इस अमृत महोत्सव में पेश किया गया बजट 2022 भारत के डेवलपमेंट के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच है और पेंडेमिक और घटते हुए जीडीपी के बावजूद भी इसमें कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो हमारे देश के डेवलपमेंट में प्रैग्मेटिक हैं और ग्रोथ एक्सीलेटर हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से यूनिक फीचर्स हैं जो हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यूनिक फीचर्स बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा। मेक इन इंडिया के तहत 6 मिलियन नौकरी जनरेट होंगे। पीएम ई विद्या के अंतर्गत डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना से विश्वस्तरीय शिक्षादान की व्यवस्था में चमक लाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगी और यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर होगी। घरेलू उत्पादन के को गति देने के लिए 68% आर्म फोर्सेस की जरूरतें घरेलू इंडस्ट्री से ही खरीदेगी। इकोसिस्टम के मजबूती के लिए 5G PLI स्कीम लॉन्च होगा जो बुनियादी तौर पर भारत का विकास होगा। पीएम गति शक्ति योजना के तहत 400 वंदे मातरम रेलगाड़ी चलेगी। यही सब हमारे बजट के माइलस्टोन है जिसके ब्लूप्रिंट पर हमारे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। अगले 25 इयर्स के अमृतकाल के आधार पर यह बजट हमारे भारत का रोडमैप बनेगा। बजट हमारे देश के इकोनॉमी का मिरर है। जो 5 हाइलाइट्स मैंने इसमें मेंशन किया है उसमें से ये हमारी यंगर जनरेशन को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट का ई विद्या और डिजिटल यूनिवर्सिटी योजना हमारे देश के एजुकेशन को एक नया बूस्टर देगा और इंडिया को एक नए सिरे में लेकर जाएगा। और गवर्नमेंट ने जो अपना खुद का डिजिटल करेंसी निकालने का जो प्लानिंग किया है वो डिजिटल करेंसी एज कंपेयर टू बिटकॉइन एंड ज्यादा सिक्योर होगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक नया भारत निर्माण करने के लिए जीडीपी में 10% अभिवृद्धि भारत को एक शिखर पर लेकर जाएगी। गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।